Hey guys, welcome back to Shomtania Vlogs. और ये है मेरा फ्रेंड अजय और जो वीडियो बना रहे हैं वो है गुरिंदर और ये मिद्दू भाई अपना वो विशाल और ये दीपू भाई। आज हम जा रहे हैं कसौल और अभी हमारे चार भाई लोग हो रहे हैं वो दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं उनका वेट कर रहे हैं और अभी हम हैं न्यू चंडीगढ़। यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 10 घंटे लगेंगे। भाई इतना टाइम कैसे लग गया आपको? बस भाइयों की ये अपना भाई सुशील जाट और ये अपने हिमाचली भाई हरीश भाई और ये कसौल जाने की प्लानिंग हो रही है ये रोहित और ये पांडे जी। इतना टाइम कहाँ लगा दिया आपने? ब्रो टाइम लग जाता है यार, बहुत सब जाम था रस्ते में। हेलो हेलो करण ब्रो, ये करण ब्रो कसौल इज ऑन। ये हम दो दो गाड़ियों में जाएंगे इसलिए हमने वॉकी टॉकी रख लिया है ताकि कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए हमारे बीच में। और हेलो अजय देयर, अजय देयर कमेंट, अजय कमेंट। Yeah, right, right, right. Let's go, let's go. Hello, Vishal coming. Coming, coming. Brother, अभी 10 किलोमीटर जाके we have to stop for our dinner, okay? Copy, bro, copy. गाइज ये हमने ले लिया है मनाली वाला हाईवे, अभी एंटर हुए हैं किरतपुर से और सामने देखो यार चांद कितना प्यारा लग रहा है। और फिर मोटे कैसा लग रहा है गाड़ी चला के? बाबे स्वाद आ रहा है पूरा, नजारा बनने वो पे गड्डी में पूरे। भाई खाना कहाँ खाना है यार बता यार। भाई बस खाते हैं यहीं कहीं, देख लो। मैं तो बोल रहा हूँ ढाबा देख लो, रोटी रोटी पांडे पांडे ट्रक वाले ढाबे में खाएंगे। ठीक है बेस्ट है पंजाबी ढाबे में जहाँ वधिया खाने। हाँ ठीक है, दाल मखनी होवे ना हालत खराब कर दी हमारी। तब से लगा हुआ वॉकी टॉकी में भाई, इसने पहली बार देखी है जिंदगी में चीज, पागल हो चुका है। देखो 10 मिनट में ढाबा बंद हो रहा है पर ये फिर भी ने यहाँ खाना खाना है क्योंकि सबकी भूख से हालत बुरी हो चुकी है। ओए बहुत भूख लगी है तेरे को? नो ब्रो, भाइयों को भूख लगी है इनको खाना खिला। तू कैमरा देखते ही इंग्लिश की बोल रहा है, पहले नो ब्रो पहले ये बता। गाइस पिछले ढाबे में तो कुछ मिला नहीं तो हम इस ढाबे में आए अब खाने। अच्छा लग रहा है ब्रेकफास्ट लंच आशु टूरिस्ट ढाबा। एंटर कर चुके हैं वो, आगे गाड़ी चल रही है अपनी और हरीश भाई अपनी गाड़ी चला रहे हैं। चुकरिया माट नीलमा गाइस ये सो रखे हैं चीख ऐसे में चीख मार रहे हैं। सो गाइज अभी हम पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट कसौल और रात को चलने का ये फायदा होता है देखो, लाइक पूरा जितना भी हमारा सफर था वो निकल गया रात को। तो अब हम अच्छी शुरुआत कर सकते हैं मॉर्निंग की और मॉर्निंग की शुरुआत है कुछ ऐसी। ये है मॉर्निंग की शुरुआत ऐसे, इससे अच्छा क्या चाहते हो आप और क्या ही मिलेगा इसे अगर ऐसी रोज सुबह हो रही हो इस व्यू के साथ, तो बस हेवन है हेवन। तो गाइस ये देखो अब लाइक यहाँ पे हर टाइप के लोग होते हैं। अब हम जो अर्ली मॉर्निंग उठ के अब ले रहे हैं मज़ा और कुछ ऐसे, ये देखो ये घूमने आए हैं, इनके हाल देख लो। रोहित भाई क्या हो रहा है, उठाओ इनको, ये घूमने थोड़ी आए हैं, सोने आए हैं। ओह यस सोने आए हैं, सही बात। ये व्यू मिस कर रहे हैं यार, इतना अच्छा अच्छा है। ये हरीश भाई अपने ये पूरी रात से ड्राइव कर रहे हैं अभी तक। भाई नींद तो नहीं आ रही? नहीं नहीं भाई सही है यार, इतनी रात को मतलब मैं तो सो गया, इतना कौन ड्राइव कर सकता है, मेरे से तो नहीं होगा पूरी रात रात ड्राइव, बट ठीक है ये भी किसी किसी में होता है टैलेंट। मेरे राइट साइड का व्यू ये है, ठीक है
बिल्कुल नॉर्मल कोई नहीं, और लेफ्ट साइड का व्यू देखो एक बार। यार मैं सोच रहा हूँ ना, जब अच्छा अच्छा व्यू आएगा तो कैप्चर करता हूँ, बट यहाँ पे अच्छा व्यू क्या यार, यहाँ पे तो मतलब ऐसा, फिर ऐसा होगा कि फोन हो नहीं रहेगा। सो आज करेंगे हम कसोल एक्सप्लोर, कुछ ऐसी जगह और कुछ मतलब कि ऐसी, मतलब स्पेसिफिक तो नहीं बट जगह दिखाने की ट्राई करूँगा जो शायद और किसी ने ना कवर की हो। सो हियर वी आर इन कसोल, ये है कसोल का मेन चौक, और अब यहाँ पे रूम की बस रूम की बात की हुई है हमने, तो वो अब देखते हैं वहाँ पे जा रहे हैं। बट सामने व्यू यार, इस रूम हंटिंग हो गई है स्टार्ट। अभी एक दो होटल गए वो तो अच्छे नहीं थे, तो अब एक और बात हुई है भाई से, उसके रेफरेंस के थ्रू जा रहे हैं। ये देखो, सो भाई ढूंढ यार कमरा, थोड़ा फ्रेशन अप होए घूमना फिर। जरूर भाई जरूर, पूरा दिन हमारे पास, दो दिन कसोल, ना एक दिन इन कसोल और दूसरा दिन तोश, या फिर आगे जाएंगे कहीं सिसु। अरे सुसु यार, सिसु यार, सुसु बोल रहा है। टू डिफिकल्ट टू ट्रैक भाई, हो रहे हैं स्किट मेरे मेरे शूज स्किट हो रहे हैं, मैं क्या करूं। अच्छा तो कैसे चल रहा है ओए मुर्गी भाई, ये कितना डिफिकल्ट है चलने को, नीचे देखो। ओह ट्रैक टू डिफिकल्ट टू वॉक भाई, आ जाओ आ जाओ, टू डिफिकल्ट टू वॉक। यार बर्फ फिसलेगी यहाँ में, यहीं पर रखना पड़ेगा पैर गंदी बर्फ में भाई, यहाँ पे चलना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा, बड़ा पतला रोड है ये इनको चेक करो देखो कैसे आ रहे हैं। यार ये यहाँ का एम्बियंस अच्छा लगा मेरे को, अट्रैक्टिव सा है थोड़ा। किसके लिए खड़ना है, अच्छा है ना ये, छोटा जैसा ऊपर भी है, घर कितने कूल है ना, नाइस। गाइस थोड़ा रेस्ट करके अब चले हम वाटरफॉल देखने, सीधा हट से यार। ये देखो इन्होंने सारे जो वुड है वो इकट्ठा करके रखा हुआ है स्टॉप में जलाने के लिए, और दिस इज अ टेंपल, एंड सी द आर्किटेक्चर यार, वेरी नाइस, एंड सी दिस ब्यूटी, वेरी नाइस। This is the view. कितना amazing है यार। And after this, oh my God. Hello my little friend. कालू कहाँ जा रहे हो? चलो साथ में। चलो चलो साथ में चलो। कालू हाँ जी यार, ये कितना अमेजिंग व्यू है यार, ये एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पे, तोश है ना, मतलब ठीक बोला मैंने, पार्वती वैली, बहुत अच्छा गाँव। कौन सी है पार्वती वैली? ये पार्वती वैली, ये सामने, अच्छा वाओ, ये भी अच्छी कर रहा है यार, वेरी नाइस। आगे तो और जगह है भाई। गाइस अभी जो ये पार्ट शूट किया है, ये शूट किया है हरीश ने। हरीश आप अच्छा बोलते हो पता है आपको, थैंक यू बोलो मेरे को। मजाक कर रहा हूँ। सो गाइस बट सच्ची में यार ये बड़े टैलेंटेड किड्स हैं। हाउ आर यू ब्रो? आई एम गुड। तो कैसा लगा भाई तेरे को ये, है गुरिंदर? हाँ जी भाई। जगह कैसी लगी है? नाइस। ये खाना खाने वाली जगह अच्छी है ना? बिल्कुल। सो गाइज गुड मॉर्निंग, और ये है सुबह का व्यू, सुबह सुबह स्नोफॉल हो रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा मॉर्निंग वॉक कराए,
वैसे ये वो होटल है जहाँ हम रुके, और ये मैं थोड़ा ऊपर तक गया था वॉक करने। सो गाइस, वेलकम बैक एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग। सो आज निकल चुका हूँ मैं तोश से, और ये मेरा लिटिल फ्रेंड शिकाली। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार आज। रात को स्नोफॉल हुआ थोड़ा, देखो कितना खूबसूरत हो गया ये तोश। बट अब चलते हैं, आज की डेस्टिनेशन है कहीं और की। सो गाइस, ये है तोश गांव जहाँ हम रुके थे, वो सामने हमारा होटल था, और अब जा रहे हैं वापस। यहाँ पे वॉकिंग आना पड़ता है, मतलब वहाँ आगे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उसके आगे वॉकिंग। बट आज तो फिर भी ट्रैक काफ़ी अच्छा है, कल से, कल दूसरे रास्ते से आना पड़ा बिकॉज़ यहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल था। कल के कंपैरिजन में आज काफ़ी कम स्नो है ट्रैक पे। ये वाला जो ट्रैक है जो हमारे होटल्स तक जाता है, यार यहाँ पे एक चीज़ है, कभी भी आओ ना तो शूज़ हमेशा ऐसे डालो जो ग्रिप हो, लाइक चाहे आप ट्रैक नहीं कर रहे हो फिर भी मैं बोलूँगा थोड़े ट्रैकिंग शूज़ लेके आओ आप, बिकॉज इनका ग्रिप काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर शूज़। गाड़ियों में हो गया स्नो थोड़ा, कोई नाम लिख के गया अपना तन में, ठीक है भाई। हमारी गाड़ी में स्नो देखो कितना गिरा हुआ है यार, ये साफ करनी पड़ेगी। सो गाइस, इस ब्लॉग में इतना ही, बिकॉज इसके बाद जाम गए वहाँ पे, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, मतलब थोड़े टाइम तक लाइट आई नहीं, फिर उसका स्नो टूट गया, बना नहीं, उसके नेक्स्ट डे वापस आ गए, लाइक अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं किया है, और लाइक और कॉमेंट भी जरूर कर देना। बाय, टेक केयर।